मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है आज हम कान्ना जी की ये ड्रेस बनाएंगे आप देख सकते हैं ड्रेस के लिए जो मैंने वूल ली है ये साठ ग्राम के पास है देखिए सिक्सटी वन ग्राम और ये ड्रेस इतनी सुंदर इतनी प्यारी बनी है आप इसे किसी भी ओकेज़न के लिए बना सकते हैं दिवाली के लिए बना सकते हैं या किसी भी और फंक्शन के लिए आपने बनाना हो तो बना सकते हैं बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारी बनी है ये ड्रेस तो चलिए ड्रेस मैं आपको दिखा देती हूँ तो ये रही वो ड्रेस जिसे देखकर आप जरूर बनाना चाहेंगे तो ये ड्रेस मैंने चार और पाँच नंबर का ना जैकी बनाई है इसका तैयार डायमीटर मीटर बारह इंच है लेकिन वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है आपने इसे छोटे या बड़े साइज़ में किस तरह से बनाना है मेरे चैनल पर हर साइज़ की चोली की वीडियो अपलोड हुई है तो आप वहाँ से देख चोली बना सकते हैं किसी भी साइज़ की उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है सेम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे तो वीडियो को आप कंप्लीट सुने अगर आपने इसे किसी और साइज में बनाना है और यहाँ पर देखिए आप मेरा चैनल किस तरह से सर्च करेंगे ये देखिए ऊपर ये सर्च आइकन है इसे आप टच करेंगे यहाँ पर मेरे चैनल का नाम लिखें मैजिकल थ्रेड्स तो ये मैं आपको इसलिए बता देती हूँ बहुत से जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं उन्हें नहीं पता हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं और थ्रेड्स में हम चैट डालेंगे ऐसा नहीं आएगा तो अब आप इसे यहाँ पर ये ब्लू इसे टच करके मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं अब आप इस पिक को टच करेंगे तो ये मेरा चैनल खुल गया ऊपर देखिए ये होम है ये वीडियोस है वीडियोस को टच करेंगे ये मेरे चैनल की सभी वीडियोस आ गई जो भी मैंने अपलोड की हैं कान्हा जी की ड्रेस हैं क्रोशे की डिज़ाइन है थाल पोश है जो भी इसमें मैंने निटिंग पैटर्न डाले हैं या इसमें शर्क भी डाला है मैंने जैकेट के डिजाइन है तो जो भी आपने देखना है यहाँ से देख सकते हैं अगर आपने सिर्फ़ एक ही तरह की चीज़ देखनी है मान लीजिए आपने जी की ड्रेसेस देखनी है आपने श्रग या जा जैकेट वगैरह नहीं देखनी तो आप प्लेलिस्ट में जाएं प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये श्रग और जैकेट की प्लेलिस्ट है इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको उसी के डिजाइन मिलेंगे बैक करेंगे अगर आपने काना जी की ड्रेसेस देखनी है ये देखिए वुलन ड्रेसेस है यहाँ पर लिखा है समर एंड क्लॉथ ड्रेसेस हैं तो जो आपको चाहिए वुलन चाहिए तो वुलन को टच करेंगे यहाँ पर आपको काना जी की सभी ड्रेसेस मिलेंगी जो मेरे चैनल पर अपलोड हुई हैं वन हंड्रेड से ज़्यादा मैंने काना जी की ड्रेसेस अपलोड की हैं और ये मैंने आपको इसलिए भी दिखाया है बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो मैंने पीछे ड्रेसेज ड्रेसे ड्रेसे डाली हैं अभी मैंने पाँच छः ड्रेसेज ड्रेसे न्यू इस विंटर के लिए डाली हैं तो उनकी कईयों की कैप नहीं है तो उसके रिलेटेड जो कमेंट मिलते हैं कि मैम इसके कैप बताएं तो इसलिए भी मैंने आपको प्ले प्लेलिस्ट दिखाई है आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं देखिए एक ये मैंने ड्रेस डाली है इसके साइड में ये राउंड पैटर्न है एक मैंने ये ड्रेस अपलोड की है इसके भी साइड में राउंड पैटर्न है एक मैंने जो ये ड्रेस अपलोड की है इसके भी साइड में ये राउंड पैटर्न है तो इन सब के लिए आप जो कैप बना सकते हैं ये देखिए ये जो मैंने अभी आपको दिखाई है ये है ये है और ये है तो इनके लिए आप जिसके साइड में कई कैप मेरे चैनल पर अपलोड हुई हैं तो आप कोई भी बना सकते हैं एक ये सिंपल कैप है इसके ऊपर हार्ट लगा है ये आप किसी के साथ भी बना सकते हैं और एक ये देखिए ये जो राउंड पैटर्न जो मैंने अभी बोला ये राउंड पैटर्न है और कलर है इसमें भी कई हैं तो उस तरह उस तरह की इसकी कैप है ये नाइन्टी हैश टैग नाइन्टी लिखा है और इसके भी साइड में राउंड पैटर्न है नाइन्टी वन है और ये जो है इसके भी साइड में वही पैटर्न है तो ये 94 फोर है इन तीनों के लिए मैंने ये वाली कैप अपलोड की है ये देखिए इसके साथ इसमें वही दो दिखाई हैं एक ये दिखाई है इसकी पिक्चर और दूसरी ये दिखाई है तो ये वाली कैप आप इन तीनों ड्रेसेस के लिए बना सकते हैं जिसके साइड में राउंड पैटर्न होगा उनके लिए आप ये वाली कैप बना सकते हैं और एक जिसके भी साइड में ये देखिए इस तरह की एक ये मैंने अपलोड की है एक ये अपलोड की है इसी का छोटा पैटर्न और एक ये अपलोड की है तो इनके सब में इस तरह से तीखी पत्ती बनती है तो इसके लिए आप जो कैप बना सकते हैं वो हैश टैग फोर्टी सेवन वाली बना सकते हैं तो बार बार वही कैप अपलोड करने का कोई मतलब नहीं होता है इसलिए मैं सभी के साथ कैप अपलोड नहीं करती तो ये देखिए इसमें इसी तरह की तीखी पत्ती का डिज़ाइन है इसकी कैप ये है तो ये कैप आप इन सभी के लिए जिसके भी साइड में इस तरह का कॉर्नर निकलता है तो उनके लिए अब ये बहुत सुंदर कैप बनी है सब ने बहुत पसंद की है तो ये वाली कैप आप बना सकते हैं अगर मैं नहीं अपलोड करती तो इसीलिए नहीं, नहीं करती सेम कैप में क्या बनाओ इसमें भी देखिए दो कलर हैं इसमें भी दो हैं इसमें भी दो हैं इसमें भी दो हैं तो वही कैप बनेगी तो इसलिए आप यहाँ से देखकर कर कैप बना सकते हैं जिसकी मैं कैप नहीं बनाती तो प्लेलिस्ट को आप एक बार चेक करें वहाँ पर उसके साथ मिलते जुलते पैटर्न वाली आप बना सकते हैं और एक मैंने ये अपलोड की है इसमें देखिए ये पफ स्टिच है तो आप ये पफ स्टिच वाली कैप ले लें इसके इस ड्रेस के लास्ट में पफ स्टिच है इसकी कैप के लास्ट में भी पफ स्टिच है तो यहाँ पर देखिए वाइट और रेड है आप लास्ट जो रो है जो मैंने येलो बनाई है कैप की वो आप रेड बना लें और सेंटर वाली सारी कैप आप वाइट बना लें सेंटर में ये डिजाइन ना डाले जो ये वाला डिजाइन इसमें डाला है वो ना डाले सिंपल वाइट बनाए और लास्ट में पफ स्टिच की रो बना लें या फिर इसके लिए आप ये बना सकते हैं या फिर वही नाइन्टी वाली बना सकते हैं ग्रीन ड्रेस वाली कैप तो इस तरह से आप कोई भी जो मैं कैप की वीडियो नहीं डालती आप प्ले लिस्ट से देख के कोई भी कैप बना सकते हैं जितने भी मैंने आपको अभी डिजाइन दिखाए हैं वो सभी मैंने इस विंटर के लिए न्यू बनाए हैं और इस ड्रेस के लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया हुक यूज़ किया है 3 एम एम और साथ में मैंने तीन प्लाई की वूल यूज़ की है अगर आपको ड्रेस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है तो आप इस तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल आइकन ज़रूर लगाएं उसके ऑल के फंक्शन पर क्लिक करें आप तो मेरे YouTube चैनल से जो भी चीज़ें बनाते हैं आप चाहे तो उसकी पिक मेरे साथ मेरे Facebook पेज पर शेयर कर सकते हैं उसका नाम भी मैजिकल थ्रेड्स है तो लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मैं कुछ लिंक देती हूँ आप चाहे तो वो भी बना सकते हैं तो अब मैं आपको थोड़ी सी चॉइसेस बता देती हूँ इस ड्रेस को आप चेंज किस तरह से कर सकते हैं जैसे देखिए मैंने ग्रीन रेड ग्रीन रेड लास्ट में ऑरेंज लगाया है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं स्टार्ट आप रेड से कर सकते हैं रेड ग्रीन रेड ग्रीन फिर रेड या फिर आप इसे सभी जितने भी ये देखिए एक दो तीन चार पाँच हमारे इस तरह के राउंड में बने हैं तो आप पाँचों जगह अलग अलग कलर लगा सकते हैं जैसे लास्ट राउंड एक ये ऑप्शन है एक ऑप्शन ये है जैसे ये लास्ट राउंड मैंने ऑरेंज बनाया है आप यहाँ पर ऑरेंज चोली बना सकते हैं या फिर आप अपने मनपसंद कोई भी कलर लगा सकते हैं तो यहाँ पर मेरे पास पांच नंबर कन्ना जी की ड्रेस की चोली है और चोली के लास्ट में मेरे पास ट्वेंटी फाइव डबल क्रशियाँ हैं पच्चीस पच्चीस में से चौबीस डबल क्रोशिया यूज करूंगी मैं ड्रेस बनाने के लिए घेरा बनाने के लिए छह इस साइड है छह इस साइड है फ्रंट साइड में सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व ये है बारह और तेरह ये पीछे हैं थर्टीन टोटल ट्वेंटी फाइव हैं और यहाँ पर हमने चोली को जॉइन किया स्लिप स्टिच से उसके बाद स्लिप स्टिच बनाकर हम आम होल वाली साइड में आके यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे वाइट कलर लगाएंगे जहाँ पर हमने लास्ट बार स्लिप स्टिच किया है सेम उसी जगह मैंने वहीं से वाइट कलर स्टार्ट किया है यहाँ वाइट कलर से स्लिप स्टिच करेंगे इसके बाद एक चेन लेंगे और जहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच किया है वाइट से सेम उसी जगह फिर से हम क्रोशिया हुक डाल के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया उसके बाद एक दो तीन चेन ली मैंने तीन चेन लेकर एक चेन स्किप करेंगे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे एक दो, एक, सिंगल एक दो तीन चेन लिए एक चेन स्किप की नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया एक दो तीन चेन ली एक चेन स्किप की नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया किया राउंड को कंप्लीट करेंगे तो रो देखिए कंप्लीट हो गई है तीन चेन लिए मैंने और शुरू में जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था ये देखिए ये हमने एक चेन ली थी उसके बाद सिंगल क्रोशिया किया था सिंगल क्रोशिया की चेन में मैंने इस तरह से स्लिप स्टिच किया तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पर हमने एक चेन स्किप की है सब जगह लेकिन यहाँ फ्रंट में मैंने दो चेन स्किप की है क्योंकि मेरे पास 25 चेन थी तो एक मैंने एक्स्ट्रा जो थी यहाँ पर स्किप कर दी 24 चेन यूज़ की हैं और उससे यहाँ से, से काउंट कीजिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ट्वेंटी का हाफ बारह तो यहाँ पर ट्वेल्व मेरे पास इस तरह के लूप तैयार हुए हैं अब हम नेक्स्ट में ये देखिए ये होल है यहाँ पर क्रोशे वर्क करेंगे पहले हम सिंगल क्रशिया करेंगे इस तरह से फिर हमने धागा लिया यहाँ पर हम हाफ डबल क्रशिया करेंगे तीन है हमारे पास तीनों एक साथ निकाल देंगे फिर धागा लिया इसके बाद तीन डबल क्रशिया करेंगे डबल कुरशिया हम इस तरह से बनाते हैं ये तीन है फर्स्ट टू निकाल दिए फिर दो से एक के फिर धागा लिया दूसरा डबल क्रशिया बनाएंगे ये तीन है फर्स्ट टू निकाल दिए फिर दो से एक किया फिर धागा लिया ये थर्ड हमारा डबल क्रोशिया है दो निकाल दिए फिर दो निकाल दिए तो तीन मैंने डबल क्रोशिया किए फिर धागा लिया यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे ये तीन है तीनों एक साथ निकाल देंगे इसको हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं फिर हमने धागा नहीं लेना इसके बाद सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से ये हमारी पत्ती बनी इस साइड और इस साइड एक एक सिंगल क्रोशिया है फिर इस साइड और इस साइड एक एक हाफ डबल क्रोशिया है उसके बाद सेंटर में तीन हमारे पास डबल क्रोशिया हैं एक पत्ती या फिर से देख ले पहले हम ये देखिए यहाँ बनाया उसके बाद यहाँ पर पहले हम सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर धागा लेंगे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तीनों निकाल देंगे फिर धागा लिया तीन डबल क्रोशिया करेंगे और ये थर्ड हमारा डबल क्रोशिया इसके बाद धागा लिया हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे तीनों स्टिच इकट्ठे निकाल देंगे फिर बिना धागे के हम सिंगल क्रोशिया करेंगे उसके बाद फिर नेक्स्ट लूप में इसी तरह से पत्ती बनाएंगे पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे तो इसी तरह से यह बनेगा ये देखिए ये पत्ती इस तरह से बनेगी दोनों साइड सिंगल क्रोशिया एक एक फिर एक एक हाफ डबल क्रोशिया सेंटर में तीन डबल क्रशिया राउंड को कंप्लीट कर लें राउंड देखिए कंप्लीट हो गया है और ये पत्तियाँ आप फिर से काउंट कर लें बारह हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह जितने हमारे पास लूप थे उतनी हमारी पत्तियाँ बनी हैं अब यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन करना है ये देखिए लास्ट में मैंने सिंगल क्रोशिया किया पत्ती को ज्वाइन कहाँ पर करेंगे ये देखिए ये दो हमारे पास सिंगल क्रोशिया के स्टिच है हमने इसे इस तरह से नहीं उठाया ये यह देखिए यहाँ से क्रोशिया नहीं लिया हमने इसे इस साइड से लेना है ये ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया के दो धागे जो इस साइड हैं अब देखिए यहाँ से क्रोशिया दिखाई नहीं देगा ये धागे दो व्हाइट इस साइड हैं तो हमने इस पूरे स्टिच को नहीं लिया एक एक स्टिच को लेंगे ये दो है हमारे पास एक बार हम एक, -एक स्टिच को लेंगे फिर हम इसके इस साइड वाले स्टिच को लेंगे इस तरह से हमने ज्वाइन करना है तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर ज्वाइन करेंगे ये हमारा लास्ट सिंगल क्रोशिया है इस पत्ती में अब इसे ज्वाइन करेंगे पहले हम यहाँ पर बना लेंगे स्लिप स्टिच इसके बाद एक दो तीन चेन ली तीन चेन लेके इसी के दूसरे जो वाइट धागा है उस धागे को लेके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से यहाँ पर एक लूप बन जाएगा उसके बाद एक दो तीन चैन लिए तीन चेन लेकर फिर इसी तरह से यहाँ पर देखिए दो हैं पहले एक को लेंगे दूसरे को मैंने नहीं लिया इस साइड से देखिए हमारा क्रोशिया पूरा बीच में से नहीं आया है हमने वूल के बीच में से लिया है यहाँ से इसे लेंगे सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर एक दो तीन चेन लेंगे फिर इसके दूसरे स्टिच को लेकर देखिए दूसरे धागे को लेकर यहाँ पर एक बार फिर से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया तो इस तरह से यहाँ पर एक लूप आ जाएगा छोटा सा फिर देखिए एक दो तीन चेन लिए ये दो यहाँ पर हमारे पास है एक और ये दो वाइट धागे पहले वाइट धागे को लेकर मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया है फिर एक दो तीन चेन लिए फिर इसी वाइट धागे को दूसरे वाले को लिया फिर यहाँ पर सिंगल किया उसके बाद एक दो तीन चेन लिए इसी तरह से ये रो कंप्लीट होगी देखिए एक चेन हमारी इस तरह से आएगी तीन की और एक हमारा लूप इस तरह से आएगा दोनों पास पास उसके सिंगल क्रोशी हैं राउंड को कंप्लीट कर लें देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है ज्वाइन करेंगे देखिए एक बार इस तरह का लूप आएगा ये जिसमें दोनों साथ हैं और एक बार इस तरह का आएगा तो अब लास्ट में मैंने तीन चेन ली ज्वाइन करना है हमने इसे तो जो हमारा पहला जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था उसी स्लिप स्टिच में मैंने इसे ज्वाइन किया इस तरह से इसके बाद हम देखिए ये जो लूप है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन इस धागे को हम काट देंगे एक चेन लेकर यहाँ पर इसे हम काट देंगे इसी ग्रीन कलर के धागे को स्टार्ट करेंगे स्टार्ट हमने इस चेन से करना है ये देखिए ये जो लूप है पास पास हैं यहाँ से हमने स्टार्ट नहीं किया स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे पहले हम यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इसके बाद ये वाला जो लूप है जिसमें दोनों ये बिल्कुल पास पास जुड़ते हैं आ, सिंगल क्रोशिया तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे एक दो तीन इसी जगह हमने चार डबल क्रोशिया बनाने हैं इसके बाद इसे ज्वाइन यहाँ पर करेंगे जहाँ पर ये दूर दूर हैं तो यहाँ सेंटर में हमने सिंगल क्रोशिया किया एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे दो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाए फिर हमने धागा लिया नेक्स्ट जो हमारा पास लूप है वहाँ पर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बनाया दो तीन चार ज्वाइन करेंगे एक सिंगल क्रोशिया दो सिंगल क्रोशिया फिर यहाँ पर चार बनाएंगे तो रो को इस तरह से कंप्लीट करेंगे देखिए राउंड कंप्लीट हो गया ज्वाइन करेंगे चार मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए उसके बाद हमने इसे ये पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर देखिए हमने सब जगह ये दो बनाए हैं सिंगल क्रोशिया यहाँ पर भी दो बनाए हैं लेकिन स्टार्ट में हमने एक बनाया था तो यहाँ पर एक हम और बनाएंगे तो अब यहाँ पर भी दो हो गए एक हमने शुरू में बनाया एक बाद में पहला जो सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में हमने स्लिप स्टिच किया एक चेन लेंगे धागा काट देंगे डार्क ग्रीन कलर स्टार्ट करेंगे स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे ये देखिए दो हमारे ये सिंगल क्रोशिए हैं दो सिंगल क्रोशिये के सेंटर में यहां से हमने स्टार्ट करना है तो यहाँ पर पहले हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इसके बाद धागा लिया ये हमारे पास चार हैं यहाँ पर डबल क्रशिए जो फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम दो बनाएंगे एक फिर इसी जगह फिर से बनाएंगे दो हमने बनाए यहाँ पर डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे नेक्स्ट में एक बनाएंगे और ये जो फोर्थ हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पर फिर से दो बनाएंगे देखिए ये हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर किया है सिंगल क्रोशिया के ऊपर उसके बाद दो हैं फिर एक एक फिर दो और उसी तरह से ये दो हैं हमारे पास सिंगल क्रोशिया देखिए यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन करना है दो सिंगल क्रोशिया के सेंटर में कहने का मतलब है ये जो दूसरा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में उसकी चेन में कर सकते हैं आप सिंगल क्रोशिया किए फिर ये चार है हमारे पास चार के ऊपर छः बनेंगे यहाँ दो बनेंगे इस साइड दो बनेंगे सेंटर में जितने हैं यहाँ पर दो हैं सेंटर में वहाँ एक बनेगा एक फिर इसी जगह बनाया दो फिर नेक्स्ट में बनाया फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया किया फिर नेक्स्ट में दो बनाएंगे एक बनाया फिर इसी जगह फिर से बनाएंगे और ज्वाइन हम करेंगे दो सिंगल क्रोशिया के सेंटर में तो राउंड को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे दो एक एक दो तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया है ये चार है नीचे जो लाइट ग्रीन कलर उसके है उसके ऊपर हमने छः बनाई हैं डबल क्रोशी तो राउंड को ज्वाइन करेंगे ये जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है वहां पर हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया एक चेन ली यहां पर धागा काट देंगे वाइट कलर स्टार्ट करेंगे एक नोट बना ली हमने आप इन्हें थोड़ा इस तरह से पहले सेट करके फिर स्टार्ट करें देखिए ये पत्ती जो है ये इसके यहाँ वी में आएगी सेंटर में तो नोट बनाई हमने नोट बनाकर ये हमने यहाँ पर तीन लिए थे डबल क्रोशे सेंटर में सेंटर वाला जो तीन के सेंटर में डबल क्रोशिया है जो वहाँ से लिया मैंने और यहाँ से ये सिंगल क्रोशिया है इसे लेंगे यहाँ से इसे निकाल लेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर ये नेक्स्ट हमारी चेन है देखिए ये पहले ये दो डबल क्रोशिया हैं जो स्टार्ट में तो पहले डबल क्रोशिया की चेन को हमने इस तरह से लिया स्लिप स्टिच किया एक चेन ली हमने ये पूरी चेन को यहाँ से इस तरह से नहीं लिया चेन में दो लूप होते हैं हमने सिर्फ बैक लूप को लिया है ये देखिए फ्रंट लूप हमने यहाँ पर छोड़ दिया है एक चेन लेंगे चेन ली स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से साथ में चेन लेंगे स्लिप स्टिच करेंगे फिर चेन लेंगे फिर हमने स्लिप स्टिच किया फिर ये देखिए अब यहाँ पर हमने चेन नहीं ली सिर्फ स्लिप स्टिच बनाया है तो अब इसी तरह से ये जो बीच वाला सेंटर वाला हमारा डबल क्रोशिया है इसे लेंगे इसकी चेन को और यहाँ पर जो हमारा सिंगल क्रोशिया है ये देखिए ये हमारा सिंगल क्रोशिया है सिंगल क्रोशे की चेन को लेंगे यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर नेक्स्ट चेन को लिया हमने स्लिप स्टिच किया चेन ली स्लिप स्टिच किया चेन ली स्लिप स्टिच किया चेन ली चेन ली हमने ये सिक्स है हमारा सिक्स्थ में हमने देखिए फ्रंट वाले लूप को नहीं लेना सिर्फ बैक वाले लूप को लिया है यहाँ पर हमने सॉरी स्लिप स्टिच किया इसके बाद चेन नहीं ली इसके बाद फिर इस पत्ती को लेंगे सेंटर वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चेन को लिया और ये साथ में सिंगल क्रोशिया है इसे लिया हमने दोन दोनों को लेकर हमने इकट्ठा सिंगल क्रोशिया करना है तो राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे तो राउंड को ज्वाइन करेंगे देखिए पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया एक चेन लेकर धागा काट देंगे तो ये हमारा पहला इस तरह से पत्तियाँ कंप्लीट हो गई ये देखिए चोली की मैंने किनारे भी कर दी है किनारी मैंने कई वीडियोज में बताई है तो अब हम दूसरा कलर लगाएंगे देखिए ये डार्क ये गाजरी कलर है डार्क पिंक ये रेड नहीं है देखिए इसमें थोड़ा सा अलग दिखाई देता है ये रेड है ये गाजरी है तो गाजरी कलर मैंने यहाँ पर लगाया है यहीं से स्टार्ट करेंगे ये बैक साइड उसी तरह से ये सिंगल क्रोशिया के दो धागे हैं एक धागे को लेकर मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया सेम राउंड हमने उसी तरह से अब बनाना है एक हमने चेन ली ये दो और तीन तीन चेन लेंगे ये दूसरे धागे को इस साइड से उठा लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे इसके बाद एक दो तीन चार पहले हमने यहाँ पर तीन चेन ली थे अब हमने यहाँ पर चार चेन ली है चार चेन लेंगे ये व्हाइट कलर के दो धागे हैं सिंगल क्रोशे के ये पहले वाले को लेंगे सिंगल क्रोशे करेंगे फिर एक दो तीन चेन लेंगे फिर दूसरे धागे को लेंगे यहाँ से फिर सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह देखिए इस तरह से हमारे पास फिर से लूप आ जाएगा बिल्कुल उसके साथ साथ सिंगल क्रोशिया हैं और यहाँ पर चार की चेन लेनी है जहाँ पर ये दूर दूर है तो उसी तरह से देखिए एक दो तीन चार चेन ली हमने चार चेन लेकर ये वाइट धागे को उठाएंगे सिंगल क्रोशिया के फिर एक दो तीन चेन लेंगे जब हम सिंगल क्रोशिया के दो धागे उठाते हैं तो यहाँ पर हमने तीन चेन ली है राउंड को कंप्लीट करेंगे तो राउंड को ज्वाइन करेंगे ये देखिए मैंने यहाँ पर चार चेन ली है स्टार्ट हमने किया था यहाँ पर ये देखिए पहला हमने सिंगल क्रोशे जो किया था उसकी चेन में हम राउंड को ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से इसके बाद ये हमारे पास जो लूप है देखिए फिर ये बड़ा लूप है ये जो छोटे लूप है हमारे पास यहाँ पर हमने क्रोशे वर्क करना है तो पहले हम देखिए पहले आप इस होल में आ जाए स्लिप स्टिच से उसके बाद एक दो तीन चेन ली मैंने फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया किया ये तीन की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और एक ये बनाया हमने दो हो गए ये तीन चार सेम राउंड हमने ये जो लाइट ग्रीन कलर का राउंड है सेम रिपीट करना है उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का है सेम रिपीट करना है तो ये देखिए टोटल चार हैं यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर एक और करेंगे फिर धागा लिया ये जो छोटा लूप है हमारे पास यहाँ पर चार डबल क्रोशे करेंगे एक दो तीन चार चार डबल क्रोशे किए इस लूप में दो सिंगल क्रोशे करेंगे राउंड को कंप्लीट करेंगे देखिए एक दो तीन और चार ये दोनों साइड वाली चेन है डबल क्रोशिया चार है राउंड को ज्वाइन करेंगे ये देखिए दो मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए हैं उसके बाद स्टार्ट में हमने यहाँ पर तीन की चेन ली थी एक दो तीन थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया एक चेन लेंगे धागा काट देंगे रेड कलर लगाएंगे उसी तरह से स्टार्ट करेंगे ये दो हमारे पास जो सिंगल क्रोशिया हैं इनके सेंटर से स्टार्ट करेंगे देखिए दो हमारे पास सिंगल क्रोशिए हैं इनके सेंटर में यहाँ से धागा स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया किया धागा लिया हमने तो यहाँ पर हमने ये एक तीन की चेन बनाई है तीन हमारे पास डबल क्रोशिया हैं तो टोटल चार स्टिच हैं ये तीन की चेन के ऊपर दो डबल क्रोशिया से करेंगे सेम राउंड हमने रिपीट करना है जो मैंने आपको बताया है डार्क ग्रीन कलर का हमने बनाया था तो तीन की चेन के ऊपर मैंने दो बनाए हैं डबल क्रोशिए फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे फिर नेक्स्ट में दो बनाएंगे जो हमारा फोर्थ है डबल क्रोशिया वहाँ पर हम दो बार बनाएंगे एक बार बनाया सेम प्लेस पर फिर से बनाया इसके बाद ये दो हमारे पास सिंगल क्रोशिया हैं दो सिंगल क्रोशिया के सेंटर में सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर धागा लिया ये चार है हमारे पास यहाँ पर ये चार देखिए तो पहले वाले के ऊपर दो बार बनाएंगे फिर एक फिर एक फिर दो और उसके बाद फिर यहाँ दो सिंगल क्रोशिया के सेंटर में सिंगल क्रोशिया करेंगे सेम राउंड हमने रिपीट करना है जो हमने डार्क ग्रीन कलर का बनाया है तो यहाँ पर मैंने दो बार बनाया फिर नेक्स्ट में एक बार फिर नेक्स्ट में एक बार फिर फोर्थ जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर दो बार एक और यहीं पर सेम प्लेस पर दो उसके बाद दो सिंगल क्रोशिया हैं दो सिंगल क्रोशिया के सेंटर में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया तो राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे राउंड को ज्वाइन करेंगे ये देखिए लास्ट में मैंने दो बनाए हैं डबल क्रोशिया उसके बाद हमने इसे ज्वाइन करना है ये जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है रेड कलर का मैंने सिंगल क्रोशिया किया था स्टार्ट में तो उसकी चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया एक चेन लेंगे धागा काट देंगे इसके बाद वाइट कलर स्टार्ट करेंगे नॉट बना लेंगे ये देखिए जैसे हमने पहले बनाया था वाइट राउंड सेम उसी तरह से बनेगा ये जो है इसके सेंटर में ये देखिए दो हम हमने एक और एक बनाया है तो इसके ऊपर यहाँ वाइट चेन को लेंगे यहाँ से लिया हमने और पीछे हम इसी तरह से ये सिंगल क्रोशिया है ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया है हमारा सिंगल क्रोशिया की चेन को हमने लिया यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे जैसे हमने पहले राउंड बनाया है सेम उसी तरह से बनेगा उसके बाद देखिए ये ऊपर चेन है चेन की बैक लूप को लेंगे स्लिप स्टिच किया एक चेन ली फिर स्लिप स्टिच किया एक चेन ली स्लिप, स्लिप स्टिच एक चेन स्लिप स्टिच एक चेन स्लिप स्टिच किया एक चेन ली ये हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है लास्ट डबल क्रोशिया की चेन को हमने बैक साइड से लेके स्लिप स्टिच किया इसके बाद चेन नहीं लेनी इसके बाद यहाँ से लेंगे इसे ये देखिए ये सेंटर वाले दो ग्रीन डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर इन दोनों के सेंटर में ऊपर से यहाँ से लिया हमने इसकी चेन को और बैक साइड हम ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया है सिंगल क्रोशिया की चेन को लेंगे साथ में तो यहाँ पर ये दोनों को साथ निकालेंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशिया करेंगे तो सेम हमने राउंड रिपीट करना है ये देखिए फिर नेक्स्ट चेन को लेंगे फिर स्लिप स्टिच किया तो मैं यहाँ पर आके आपको दिखाती हूँ तो ये लास्ट हमारा डबल क्रोशिया है उसकी चेन को हमने लिया इसके बाद हमने चेन नहीं लेनी स्लिप स्टिच बनाने के बाद अब यहाँ से इसे लेंगे और ये सिंगल क्रोशिया है ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन को लेंगे दोनों को साथ लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे देखिए तो राउंड को ज्वाइन करेंगे देखिए यहाँ पर लास्ट चेन में मैंने बनाया स्लिप स्टिच और ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है स्टार्ट हमने सिंगल क्रोशिया से किया था उसकी चेन में हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे ग्रीन कलर स्टार्ट करेंगे तो एक नोट बना ली मैंने देखिए उसी तरह से स्टार्ट करना है यहाँ पर ये यह सिंगल क्रोशे के दो हमारे पास व्हाइट कलर के धागे हैं ये एक धागे को हमने ले लिया यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे अब हम यहाँ पर एक दो तीन चार चेन लेंगे चार चेन पहले हमने जब दो राउंड बनाए हैं तो ये ग्रीन राउंड बनाया था तब भी लूप जब हमने बनाया था तो तीन चेन लिए थे रेड में भी तीन लिए थे अब हमने इस राउंड में चार चेन लिए हैं चार चेन लेकर ये जो दूसरा वाइट कलर का धागा है इसे लेंगे और यहाँ पर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे तो ये हमारे पास एक लूप आ गया इसके बाद हम पांच चेन लेंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच चेन ली हमने पाँच चेन लेकर ये देखिए दो हैं ये सिंगल क्रोशिया ये जो हम व्हाइट सिंगल क्रोशिया बनाते हैं इसके पीछे यहाँ पर दो धागे हैं ये वाइट अलग दिखाई देते हैं तो पहले वाले धागे को उठाकर हमने सिंगल क्रोशिया किया फिर एक दो तीन चार चेन ली हमने उसके बाद ये दूसरे वाले धागे को लिया फिर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया तो इस तरह से ये लूप आ जाता है और यहाँ पर अब हम ये वाली जो पत्ती हमारी बनती है ये इस लूप में बनती है जहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया साथ साथ करते हैं और यहाँ पर हम जब बनाते हैं तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे एक दो तीन चार पाँच ली बहुत ही इजी ड्रेस है बस इसी तरह से हमने बनाते जाना है बस जिस जिस हिसाब से हमारा राउंड इंक्रीज होता है या बढ़ता है उस हिसाब से हम चेन एक्स्ट्रा लेते जाएंगे जैसे पहले हमने तीन ली थी फिर चार ली थी यहाँ पर अब हमने पांच ली हैं ये एक दो तीन चार पांच इस तरह से जाएगी आएगी ये देखिए इस तरह से यहाँ पर खिंचाव नहीं होना चाहिए ये देखिए ये पत्ती के बिल्कुल बराबर है चेन खींचनी नहीं चाहिए इस तरह से नहीं होनी चाहिए अगर ये यहाँ से इस तरह से खींची होगी तो आपका राउंड खींच जाएगा कंप्लीट कर लें तो राउंड को ज्वाइन करेंगे ये जो पहला हमारा यहाँ पर सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इसके बाद ये जो हमारे पास लूप है यहाँ पर होल में स्लिप स्टिच करेंगे इसी तरह से राउंड हमारा स्टार्ट होगा एक दो तीन चेन लेंगे और इस लूप में हम टोटल पांच डबल कर्सियाँ बनाएंगे एक हमारी तीन की चेन तो टोटल यहाँ पर हम छः बनाएंगे तो ये तीन की चेन एक है ये दो ये तीन चार पाँच चेन। और ये जो चेन है यहाँ पर हम पहले हमने इस चेन में दो डबल दो सिंगल क्रोशिया किए थे जो हमने लास्ट रेड वाला और ग्रीन वाला राउंड बनाया है तो दो बनाए थे अब हमने यहाँ पर चार सिंगल क्रोशिया करने हैं एक दो तीन चार उसके बाद ये वाला लूप है इस लूप में छह बनाएंगे दो तीन चार पाँच चेन में चार सिंगल क्रोशे बनाएंगे एक दो तीन चार ये यह देखिए यहाँ से हमने किया है एक दो तीन चार पाँच छः, छः हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए चार हमने सिंगल क्रोशिया किए और जब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो दो सिंगल क्रोशिया इस साइड कर लेंगे दो इस साइड कर लेंगे यहाँ सेंटर में हमने ज्वाइन करना है जब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो राउंड को आप कंप्लीट कर लें राउंड को ज्वाइन करेंगे ये देखिए चार मैंने सिंगल क्रोशिया किए उसके बाद एक दो तीन थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया एक चेन लेंगे यहाँ धागा काट देंगे डार्क ग्रीन कलर लगाएंगे ये धागा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये देखिए दो सिंगल क्रोशिया इस साइड कर दें दो इस साइड कर दे। तो यहाँ से हम धागा स्टार्ट करेंगे सेंटर से यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इसके बाद हमने ये धागा लिया जो पहला हमारा यहाँ डबल क्रोशिया होता है उसके ऊपर हम दो बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास तीन की चेन है इसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं तो इसी के ऊपर जहाँ पर ये देखिए ये एक दो तीन तो ये थर्ड चेन में हम दो बार बनाएंगे डबल क्रोशिया एक एक और बनाएंगे दो फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे फिर नेक्स्ट में एक फिर नेक्स्ट में एक फिर नेक्स्ट में एक फिर जो लास्ट हमारा सिक्स डबल क्रोशिया है उसके ऊपर दो बनाएंगे एक सेम में बनाएंगे दो एक दो तीन चार है हमारे पास दो इस साइड रखेंगे दो इस साइड रखेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे सेंटर में फिर हमने धागा लिया ये देखिए ये पहला डबल क्रोशिया है और ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इन दोनों के ऊपर हमने दो दो बनाने हैं और सेंटर में हमारे पास एक दो तीन चार हैं सेंटर वाले के ऊपर एक एक बनाएंगे एक सेम में बनाया दो फिर एक बनाया फिर नेक्स्ट में एक फिर नेक्स्ट में एक फिर नेक्स्ट में एक, नेक्स्ट में एक. अब ये सिक्स्थ है हमारे पास यहाँ पर दो एक सेम में फिर से बनाएंगे दो और एक और दो सेंटर में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे राउंड को ज्वाइन करेंगे ये देखिए दो सिंगल डबल क्रोशिया बनाए मैंने तो यहाँ पर ये पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे एक चेन लेंगे और धागा काट देंगे वाइट कलर स्टार्ट करेंगे एक नोट बना ली मैंने देखिए यहाँ पर हमने दो डबल क्रशिया किए हैं और इधर भी हमने दो डबल क्रशे किए हैं सेंटर में ये दो है हमारे पास एक एक बनाया है तो इन दोनों के यहाँ सेंटर में से ये ऊपर वाइट चेन को लेंगे और इस साइड ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन को लेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इसके बाद उसी तरह से है जैसे हमने पहले राउंड बनाए हैं ये स्लिप स्टिच किया चेन ली स्लिप स्टिच किया चेन ली बैक लूप को लेकर हमने स्लिप स्टिच करना है फ्रंट वाले लूप को हमने नहीं लिया ये वाले राउंड हमने व्हाइट वाला जो बनाया है पहले जैसे बनाए है सेम उसी तरह से बनाया है तो इस बार मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट टाइम फिर जो हम राउंड बनाएंगे तो उसमें आप अपने आप बना लें ये देखिए स्लिप स्टिच किया उसके बाद ये सेंटर में ये हमने इंक्रीज किया हुआ है यहाँ पर यहाँ पर इंक्रीज किया है टोटल हमारे पास रेड छः थे तो तीन इस साइड रहेंगे तीन इस साइड रहेंगे सेंटर में से ये हमने वाइट चेन को लिया और ये पीछे जो सिंगल क्रोशिया है इसे लिया जब हम ये सिंगल क्रोशिया को लेते हैं तो ये हम पूरी चेन को लेते हैं दो लूप होते हैं इसके ऊपर तो अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे उसके बाद फिर उसी तरह से बैक लूप को लेंगे स्लिप स्टिच और चेन राउंड को कंप्लीट कर लें राउंड को ज्वाइन करेंगे पहला हमारा जो ये सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया एक चेन लेंगे धागा काट देंगे इसके बाद फिर से गाजरी कलर स्टार्ट करेंगे एक नोट बना ली मैंने तो जब भी मैंने बताया है आपको वाइट राउंड के बाद हमने राउंड स्टार्ट करना है तो इस तरह से करेंगे नोट बना लेंगे देखिए ये सिंगल क्रोशिया जो वाइट है उसके दो धागे दिखाई देते हैं एक को लेंगे इस साइड वाले लूप को लिया मैंने और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया और इसके बाद एक दो तीन चार चेन ली लास्ट राउंड जब हमने बनाया था तो ये लूप जब हमने बनाया था उसमें तो चार चेन ली थी इसमें भी चार चेन ली हैं देखिए तो यहाँ पर हमने जो जब ये ग्रीन राउंड बनाया है तो यहाँ पर हमने पांच चेन ली थे अब हमने यहाँ पर छ चेन लेनी है एक दो तीन चार पाँच छ छ चेन लेंगे उसी तरह से एक दो तीन चार चेन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छः चेन लेंगे राउंड को कंप्लीट करेंगे एक दो तीन चार तो लास्ट जब हमने ये लूप वाला राउंड बनाया था यहाँ पर हमने जो है चार चेन ली थी यहाँ पर भी चार ली है लेकिन यहाँ अब हमने पांच ली है क्योंकि ये देखिए ये हमारी पत्ती बढ़ जाती है तो यहाँ पर जो हमने चेन लेनी होती है वो हमें एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है राउंड को कंप्लीट कर लें राउंड को ज्वाइन करेंगे छह चेन ली मैंने यहाँ पर छः चेन लेकर ये जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया फिर हम इस लूप में आ जाएंगे स्लिप स्टिच बना के फिर इसके बाद एक दो तीन चेन लेंगे और ये जो हमने तीन चेन ली है इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे इसके बाद हम यहाँ पर सात डबल क्रोशे बनाएंगे, सात डबल क्रोशे करेंगे एक हमारी साइड वाली चेन तो टोटल जो आठ हो जाएंगे एक दो तीन चार पाँच सात आठ इसके बाद ये जो हमारे पास चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे दो तीन चार और ये जो सिंगल क्रोशे हैं सिंगल क्रोशे के नीचे ये जो चेन है ये आप जैसे मैंने यहाँ पर छः चेन ली है तो ये आप साथ भी ले सकते हैं बस आपकी ड्रेस में खिंचाव नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके हाथ का फ़र्क होता है कोई टाइट बुनाई करता है कोई लूज़ करता है सबकी भूल का फ़र्क होता है तो चेन आप अपने अकॉर्डिंग हर राउंड में अगर किसी के हाथ किसी का हाथ बुनाई में टाइट है तो वो हर राउंड में एक एक चेन एक्स्ट्रा ले सकता है जैसे हमने यहाँ पर तीन लिए थे ग्रीन में फिर हमने चार लिए फिर पांच लिए अब ये छह लिए ये वाली जो सेंटर वाली ये वाली चेन है इसकी बात कर रही हूँ तो चार हमने सिंगल क्रोशिए किए इसके बाद आठ बनाएंगे यहाँ पर डबल क्रोशिए एक देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ उसके बाद चार यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे एक राउंड को कंप्लीट करेंगे राउंड को ज्वाइन करेंगे चार हमने सिंगल क्रोशे किए लास्ट में तो एक दो तीन थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया एक चेन लेंगे और इसे हम काट देंगे दूसरा कलर स्टार्ट करेंगे नोट बनाएंगे ये जो चार हमारे पास सिंगल क्रोशिया हैं एक और दो दो इस साइड करेंगे दो इस साइड करेंगे सेंटर में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे फिर हमने धागा लिया ये जो तीन की चेन है यहाँ पर स्टार्ट वाले के ऊपर दो बनाएंगे डबल एक एक इसी जगह फिर से बनाया दो तो अब यहाँ पर हमारे पास आठ हैं डबल क्रोशिया साइड वाली चेन को मिलाकर आठ के ऊपर दस बनेंगे इस साइड वाली जो चेन है और इस साइड वाला डबल क्रोशिया यहाँ पर दो दो बनेंगे सेंटर में एक एक तो यहाँ पर हमने दो बनाए फिर नेक्स्ट में एक फिर नेक्स्ट में एक नेक्स्ट में एक फिर एक फिर एक एक तो लास्ट डबल क्रोशिया है ये यहाँ पर दो बार बनाएंगे एक फिर दो और ये चार हमारे पास सिंगल क्रोशिया हैं सेंटर में दो के बाद हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया उसके बाद फिर से ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है यहाँ पर दो बार बनाएंगे बाद में हम एक एक करेंगे इस तरह से ये दो हैं फिर एक दो तीन चार पाँच छः हमने अलग अलग बनाए फिर दो बनाए तो टोटल तो 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 यहाँ पर दस हैं आठ के ऊपर हमने दस बनाए हैं यहाँ पर देखिए छः थे हमारे पास तो छः के ऊपर आठ किए थे यहाँ पर देखिए ये चार थे हमारे पास चार के ऊपर छः हो गए थे दोनों साइड्स में दो दो बनाते हैं सेंटर में एक बनाते हैं यहाँ भी चार के ऊपर हमने छः बनाए थे राउंड को ज्वाइन करेंगे ये देखिए लास्ट में दो डबल क्रोशिया किए मैंने लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर उसके बाद ये पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में ज्वाइन किया जैसे हम हर बार करते हैं एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे वाइट कलर स्टार्ट करेंगे जैसे हम हर बार वाइट कलर से बनाते हैं पहले एक नोट बना लेंगे और यहाँ पर देखिए ये दो डबल क्रोशिया हैं ग्रीन कलर के दो इस साइड हैं सेंटर में चार हैं तो ये दो इस साइड रहेंगे दो इस साइड रहेंगे यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया है रेड कलर का इसे लेंगे इसके बाद उसी तरह से स्लिप स्टिच करेंगे एक चेन लेंगे यहाँ से इसे लेंगे और ये हमारा जो सिंगल क्रोशिया है इसको साथ में लेंगे और इकट्ठा दोनों को लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे सिंगल क्रोशिया जब भी हम बनाएंगे तो इस तरह से छोटा धागा नहीं रखेंगे थोड़ा सा इसे धागे को इस तरह से बड़ा रखेंगे ताकि ड्रेस में खिंचाव ना आए ये देखिए इस तरह से हमारा थोड़ा लूप बड़ा आता है उसके बाद उसी तरह से तो राउंड को आप कंप्लीट कर लें राउंड को ज्वाइन करेंगे तो अब देखिए ये एक ग्रीन है फिर रेड फिर ग्रीन फिर रेड तो इतना बनाने पर देखिए तीन इंच के करीब सवा तीन के करीब अभी घेरा बना है तो टोटल हमें ये साढ़े चार चाहिए मुझे लगता है ये लास्ट राउंड होगा तो ड्रेस का घेरा ग्यारह इंच कंप्लीट हो जाएगा नॉट बना ली मैंने इसके बाद जैसे ये ग्रीन रेड ग्रीन रेड लगाया है फिर मैंने ग्रीन कलर नहीं लगाया क्योंकि फिर ड्रेस में ग्रीन कलर ज़्यादा हो जाएगा तो मैंने अब ऑरेंज कलर लगाया है आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं जो भी कलर लगाना चाहें तो स्टार्ट उसी तरह से करेंगे ये मैंने नॉट बना ली सिंगल क्रोशिया किए एक दो तीन चार पाँच चेन ली अब हमने पाँच चेन ली है दूसरा धागा उठा के सिंगल क्रोशिया किया इसके बाद एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ चेन ली मैंने आप सात भी ले सकते हैं आठ भी ले सकते हैं यहाँ पर ड्रेस में खिंचाव नहीं होना चाहिए उसके बाद एक दो तीन चार पाँच पाँच चेन ली हमने फिर दूसरे धागे को उठा के सिंगल क्रोशिया किया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ चेन ली तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा ये जो मैंने आठ चेन ली है वैसे यहाँ पर सात चेन बनती थी लेकिन यहाँ पर खिंचाव ना आए तो मैंने आठ ली है सात इस तरह से बनती थी देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है यहाँ पर हमने तीन ली थी ग्रीन पत्ती में फिर हमने चार ली थी फिर पाँच ली थी फिर यहाँ पर हमने छः चेन ली थी तो अब ये सात चेन चाहिए थी लेकिन आपने ये देखना है कि यहाँ पर खिंचाव नहीं होना चाहिए तो सात की जगह मैंने आठ ली है राउंड को कम्प्लीट कर लें क्योंकि सभी के हाथ का फर्क होता है और वूल का भी फर्क होता है तो ये जरूरी नहीं है कि आपने छ लेनी है या सात लेनी है ये वाला जो लूप है इसमें आप इतनी लें लेकिन ये वाली चेन जो है ये आप कम या ज़्यादा अपने अपने जितना आपको चाहिए उतनी ले सकते हैं राउंड को ज्वाइन करेंगे पहले सिंगल क्रोशिये में इसके बाद ये होल है यहाँ पर स्लिप स्टिच से जाएंगे फिर एक दो तीन चेन लेंगे यहाँ पर सात डबल क्रोशे करेंगे सात डबल क्रोशे बनाएंगे एक हमारी साइड वाली चेन है तीन की तो ये टोटल आठ हो जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ उसके बाद ये चेन है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे एक बनाया सॉरी सिंगल क्रोशिया करेंगे दो तीन चार पाँच छ छः यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किए उसके बाद यहाँ पर फिर से आठ डबल क्रोशिया करेंगे आठ डबल क्रोशिया किए मैंने यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर छः बार सिंगल क्रोशिया करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ तो राउंड को कंप्लीट करेंगे राउंड को ज्वाइन करेंगे छ मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए एक दो तो, तीन थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया धागा काट देंगे तो ये मैंने लाइट ऑरेंज कलर लगाया है इसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क लगाऊंगी उसके बाद फिर से डार्क लगाऊंगी ये देखिए इसके बाद मैं ये मल्टी कलर है उसके बाद ये लगाऊंगी तीन चाहिए अब जो हमने जैसे हमने ये देखिए लाइट ग्रीन लगाते हैं फिर डार्क लगाते हैं दो लगाते हैं यहां पर भी दो लगाए हैं ये गाजरी कलर है ये रेड है लेकिन इस राउंड में मैं तीन लगाऊंगी एक नोट बना लेंगे यहाँ पर देखिए हमारे पास छह सिंगल क्रोशिया है एक सिंगल क्रोशिया छोड़ देंगे दूसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे शुरू हम यहां से करेंगे ये देखिए ये हमारे पास छः सिंगल क्रोशिया हैं एक सिंगल क्रोशिया इस साइड छोड़ देंगे एक इस साइड छोड़ देंगे तो सेंटर में चार है हमारे पास एक दो तीन चार चार के ऊपर हमने चार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं तो शुरू वाले दो के ऊपर हम नहीं बनाएंगे ये देखिए एक तो हमने वैसे छोड़ देना है उसके बाद दो और तीन चेन छोड़ दी उसके बाद तीन है हमारे पास तो इस चेन के ऊपर मैंने बनाया दो बार यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे तीन जहाँ पर एक दो तीन छोड़ के फोर्थ में हमने बनाया एक बनाया फिर दो बनाया टोटल हमने यहाँ पर चार सिंगल क्रोशे करने हैं तो दो मैंने बना लिए दो जब हम आके ज्वाइन करेंगे तब बनाएंगे तो इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया छोड़ दिया इसके बाद राउंड हमने सेम रिपीट करना है ये तीन की चेन है तीन की चेन के ऊपर हम दो डबल क्रशिया बनाते हैं एक बनाया फिर दो बनाया फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर एक फिर नेक्स्ट के ऊपर एक फिर एक एक इसके बाद एक एक बनाना है हमने सिर्फ लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर दो बनाने हैं अब ये देखिए ये लास्ट डबल क्रोशिया है इसके चेन में दो बनाएंगे एक बनाया एक और ये देखिए दो हैं उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः बार हमने एक एक बनाया फिर दो बनाए तो अब देखिए ये छः हैं हमारे पास पहला वाला तो छोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया दूसरे सिंगल क्रोशिया की चेन में बनाया टोटल यहाँ पर चार बनाएंगे तो चार सिंगल क्रोशिया बना लिए एक लास्ट सिंगल क्रोशिया रह गया अब इसके बाद फिर उसी तरह से यहाँ पर शुरू में दो बनाएंगे फिर एक एक बनाएंगे फिर दो बनाएंगे फिर इस तरह से ज्वाइन करेंगे एक सिंगल क्रोशिया छोड़ देंगे दूसरे के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर फिर नेक्स्ट वाले के ऊपर चार हमने सिंगल क्रोशिए किए फिर उसके बाद यहाँ पर दो बनाएंगे तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे राउंड ज्वाइन करेंगे ये देखिए दो बनाए हैं मैंने डबल क्रोशिये उसके बाद स्टार्ट में देखिए यहाँ पर देखिए हम चार बनाते हैं सिंगल क्रोशिए लेकिन स्टार्ट में हमने दो बनाए थे दो जो रह गए हैं वो यहाँ पर हम बना लेंगे एक बनाया फिर दूसरा बनाया और दो हमने स्टार्ट करते वक्त बनाए थे तो टोटल चार हो गए यहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया और इसे हम धागे को काट देंगे तो ऑरेंज कलर स्टार्ट किया मैंने चार है हमारे पास यहाँ पर सिंगल क्रोशिए दो इस साइड हैं दो इस साइड हैं सेंटर में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से इसके बाद देखिए ये दो बनाए हैं फर्स्ट वाले के ऊपर दो बनाएंगे ये हमारा लास्ट राउंड है इस तरह से हमारी पत्ती फोल्ड ना हो तो इस बार हम तो कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे जैसे बाकी सब में हमने दो साइड इंक्रीज किया है यहाँ पर और यहाँ पर बाकी सब में एक बनाया है लेकिन ये लास्ट राउंड है तो यहाँ पर हमने ज़्यादा इंक्रीज़ करने हैं तो स्टार्ट में हमने दो बनाए फिर नेक्स्ट चेन में दो बनाएंगे इसके बाद नेक्स्ट में एक बनाएंगे फिर एक बनाएंगे ये देखिए फर्स्ट वाले के ऊपर दो बनाए फिर ये सेकंड वाला है इसके ऊपर दो बनाए इसी तरह से यहाँ पर भी बनाएंगे फर्स्ट वाले और सेकंड वाले के ऊपर तो बाकी हमारे पास कितने हैं एक दो तो, तीन चार पाँच छः छः हैं हमारे पास तो एक और इसके ऊपर एक बना लिया इसके ऊपर एक बना लिया इसी तरह से इस साइड भी एक एक आएगा तो ये सेंटर वाले हैं हमारे पास दो तो दो के ऊपर फिर से हम दो दो बनाएंगे इस तरह से आप डिवाइड कर लें अगर सेंटर में आपके पास एक है तो आप उसके ऊपर एक बार बना लें ये देखिए ये दो दो फिर एक एक फिर दो दो फिर एक 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 फिर यहाँ पर दो बनाएंगे फिर दो बनाएंगे ये देखिए दो हैं फिर दो हैं एक एक दो दो एक एक दो दो राउंड को ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिया से इसके बाद फिर उसी तरह से ये दो बनाएंगे यहाँ पर फिर नेक्स्ट में दो बनाएंगे फिर एक बनाएंगे फिर एक बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे फिर नेक्स्ट में हमने दो बनाए फिर नेक्स्ट में दो बनाए फिर एक एक बनाएंगे ये एक बनाया ये एक बनाया और नेक्स्ट में फिर से एक बनाया फिर लास्ट वाले दो डबल कुर्सी हैं उनके ऊपर दो दो बनाएंगे। ये एक दो, दो के बाद सिंगल क्रोशी से ज्वाइन करेंगे ये देखिए ये दो हैं फिर दो एक एक दो दो एक एक दो दो राउंड को इस तरह से कंप्लीट करेंगे अब देखिए ये पत्ती फोल्ड नहीं होती जैसे हमारी ये पत्तियां फोल्ड होती हैं जब आप इसके ऊपर ये वाइट वाली बना देते हैं फिर ये फोल्ड नहीं होती यहाँ पर टिक जाती हैं इससे तो इस तरह से हमने लास्ट राउंड बनाया है आप चाहे तो जैसे मैंने यहाँ पर दो दो बनाए हैं आप एक बार भी बना सकते हैं राउंड को ज्वाइन करेंगे ये देखिए दो दो बनाए डबल क्रोशिया ये जो सिंगल क्रोशिया है इसकी ऊपर चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इसके बाद उसी तरह से वाइट कलर से बनाएंगे जैसे हमने सारी ड्रेस में बनाया है एक नॉट बना लेंगे यहां से स्टार्ट करेंगे ये देखिए ये व्हाइट कलर का जो पत्ती है ये यहाँ पर है लेकिन जहां पर हमने ज्वाइन करना है ये इस तरह से है तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते हैं लेकिन इस बार हम हाफ डबल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा दूर है पत्ती इसके हमने तीन राउंड बनाए हैं इसलिए ये वाली पत्ती हमारी दूर हो गई इससे तो यहाँ पर ये पहुंच जाए तो इसके लिए हाफ डबल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे क्योंकि हाफ डबल क्रोशे की हाइट होती है तो धागा लिया हमने सेंटर में इस वाइट चेन को लिया ये सिंगल क्रोशे को लिया तीनों को एक साथ निकाल दिया बाकी उसी तरह से है स्लिप स्टिच चेन लेकिन जो इस बार हम स्लिप स्टिच करेंगे वो हम ये पूरी चेन होती है ये पूरी चेन के हम बैक लूप को लेते हैं लेकिन अब हमने फ्रंट लूप को लेके लास्ट राउंड में बनाना है तो ये फ्रंट लूप को लेंगे एक सिंगल को स्लिप स्टिच चेन बनाना उसी तरह से है ये हमने स्लिप स्टिच किया फिर चेन ली बस इस बार हमने फ्रंट लूप को लेना है बैक लूप को नहीं लेना तो यहाँ तक आप आ जाए ये लास्ट वाले डबल क्रोशे के फ्रंट लूप को लिया स्लिप स्टिच किया इसके बाद धागा लेंगे एक दो तीन एक दो तीन सेंटर में से इस चेन को लेंगे और साथ में ये उसी तरह से सिंगल क्रोशिया की चेन को लिया ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया है इसे लिया यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ये तीन है तीनों को एक साथ निकाल देंगे देखिए इसके बाद फिर उसी तरह से तो राउंड को आप कंप्लीट कर लें तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया ज्वाइन कर दिया इसे मैंने लास्ट राउंड बनाएंगे तो ये एक नोट बना ली मैंने यहाँ से स्टार्ट करेंगे देखिए स्टार्ट में हमने दो डबल क्रोशिया लिए हैं एक ही चेन में उसके बाद फिर से दो लिए हैं तो ये वाले दो डबल क्रोशिया की चेन को हम स्किप करेंगे ये पीछे हमने बैक लूप छोड़ दिया था सिर्फ फ्रंट लूप पे हमने ये वाइट वाले जो स्लिप स्टिच किया है तो ये बैक लूप को लेकर अब हमने बनानी है ये पहला ये देखिए ये दो डबल क्रोशी दिखाई देते हैं इन दोनों की हमने चेन को छोड़ दिया अब नेक्स्ट की चेन को लेना है तो हमने इस तरह से एक लूप को नहीं लेंगे इस तरह से एक नहीं लेंगे ये धागा खींच जाएगा तो बैक लूप को जब लेंगे तो इस तरह से लेंगे यहाँ से देखिए ये दो धागे आएंगे हमारे हुक के ऊपर इस तरह से हमने लेना है पहले हमने ये नॉट बनाई धागा लिया यहाँ फिंगर रखेंगे उसके बाद ये एक और दो स्किप करेंगे थर्ड को लेंगे दो लेंगे हम क्रोशे के ऊपर धागे यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे एक चेन लेंगे फिर इसी तरह से नेक्स्ट को लेंगे ये देखिए ये दो दिखाई देते हैं इसे और इसे बैक लूप के साथ एक और हमारे पास चेन होती है उसे हमने लेना है ये एक चेन ली देखिए इस तरह से यहाँ से ये यह दो लेंगे एक और दो फिर डबल क्रोशिया किया एक चेन ली एक चेन ली सभी को हमने लिया है स्किप यहाँ पर कोई नहीं किया बस स्टार्ट में हमने दो स्किप किए हैं इसी तरह से लास्ट में दो स्किप करेंगे यहाँ तक आप आ जाए तो इस तरह से देखिए सारे मैंने बना लिए स्टिच इसके बाद एक चेन लेंगे एक चेन ली हमने यहाँ पर हमारे दो छूट गए हैं ये देखिए एक ही चेन में दो डबल क्रोशिया हैं इन दोनों के बैक लूप को मैंने छोड़ दिया ये देखिए फ्रंट साइड से ये दो हैं इन दोनों को हम छोड़ देंगे इसी तरह से आगे भी दो हैं नेक्स्ट पत्ती में इन दोनों को भी छोड़ देंगे इसके बाद हमने इसके लूप में बनाना है तो यहाँ पर देखिए एक और दो इस साइड स्किप किए एक और दो इस साइड स्किप करेंगे धागा लेंगे थर्ड जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके बैक लूप को लेके यहाँ पर डबल क्रोशिया किया फिर एक चेन ली आगे उसी तरह से बनेगा बस हमने दो दो स्किप किए हैं दोनों पत्ती में दो हमने इस साइड स्किप किए हैं दो हमने इस साइड स्किप किए हैं तो यहाँ तक आप बना लें ये देखिए बना लिया मैंने फिर हमने एक चेन ली ये लास्ट वाले दो हमारे डबल क्रोशिया छूट गए हैं इस साइड भी दो छोड़ देंगे और थर्ड में हम डबल क्रोशिया करेंगे एक चेन लेंगे इसके बाद फिर से इसी तरह से बनेगा ये देखिए एक और दो मैंने छोड़ दिया थर्ड में बनाया राउंड को कंप्लीट कर ली ये देखिए ड्रेस इस तरह से भी अच्छी दिखाई देती है सुंदर है लास्ट राउंड ग्रीन कलर का आप चाहें तो बना लें नहीं तो इसके बिना भी ड्रेस सुंदर है लास्ट राउंड बनाना ऑप्शनल है तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया ज्वाइन हमने इसे किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ देखिए दो चेन ये लास्ट वाले जो दो डबल क्रोशिया हैं वो मैंने स्किप कर दिए यहाँ तक मैंने बनाया है थर्ड लास्ट है जो और इसके बाद हमने यहाँ पर देखिए एक चेन ली एक चेन लेंगे यहाँ पर हमने शुरू में ही दो छोड़ दिए थे स्किप किए थे तो ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे एक चेन लेकर धागा काट देंगे तो अब आप देखिए गैस देखिए कितनी सुंदर बनी है ड्रेस बहुत ही इजी है और सुंदर भी बहुत है अब बात करते हैं इसे हमने छोटे या बड़े साइज में किस तरह से बनाना है मैंने हर आपको रो बताई है इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है लंबी हो गई है लेकिन ड्रेस बहुत इजी है आप इसे छोटे साइज में भी बना सकते हैं अब छोटे साइज में आप किस तरह से बनाएंगे जैसे यहाँ पर आपके पास चोली के लास्ट में बीस स्टिच है दो और तीन नंबर के कानाजी की तो इसी तरह से स्टार्ट करें ये चौबीस है तो उसका हाफ ये बारह हमारे पास आए यहाँ पर बीस होंगे अगर आपके पास तो यहाँ पर आपके पास दस आएंगे तो दस से आगे आप कंटिन्यू कर ले और घेरा आप देखें इतना बनाना है या इतना बनाना है दो और तीन में वो आप देखें आपको कितना डायमीटर चाहिए इतना इसका डायमीटर मैं आपको बता देती हूँ चार और पाँच नंबर का नाजे की ड्रेस का डायमीटर बारह इंच तैयार हुआ है तो अगर आप ये सेंटर वाला रेड वाला बनाएंगे सिर्फ रेड से रेड तक तो ये नौ इंच है अगर आप यहाँ पर चोली भी छोटी बनाते हैं जैसे दो और तीन नंबर का नाजी की चोली भी छोटी होगी तो यहाँ पर भी वो इतना छोटा हो जाएगा तो वो नौ नहीं रहेगा साढ़े आठ आठ के करीब आपका दो और तीन नंबर का नाजी का घेरा बनेगा अगर आप इतना बनाएंगे क्योंकि उसकी चोली छोटी होगी तो अगर आप इस ड्रेस को जैसे ये चार और पाँच की मैंने आपको बताया तो जैसे आप इसे छः सात और आठ में बनाना चाहते हैं तो सेम इतना घेरा बनाएं जितना मैंने अभी बनाया है क्योंकि इसका डायमीटर बारह इंच तैयार हुआ है ये देखिए इसका डायमीटर बारह इंच है मान लीजिए आपने इसे छः और सात के लिए बनाना है तो चोली के लास्ट में आपके पास अगर ट्वेंटी एट स्टिच है तो वो चोली थोड़ी बड़ी हो जाती है थोड़ी सी बड़ी यहीं से खुल जाएगी तो ये डायमीटर आपका छः और सात के लिए साढ़े बारह इंच तैयार हो जाएगा जो कि काफ़ी है इसी तरह से अगर आप और बड़ी बनाते हैं आठ नंबर की चोली बनाते हैं तो चोली थोड़ी और यहाँ पर बड़ी हो जाएगी उसके बाद आपका ये सारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा तो इत, उसी से चोली बड़ी होने से ही वो आपका तेरह इंच के करीब घेरा बन जाएगा तो इसलिए छः सात और आठ में आप इतने ही राउंड बनाएं छोटी ड्रेस बनानी है तो आप रेड तक बना सकते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू